नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं दो टॉप क्लास कंपनीज के अंदर आई जॉब ओपनिंग के बारे में। अब गाइस यहां पे एक जगह आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रहा है और एक जगह दोस्तों आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब मिल रहा है, पर यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको पैन इंडिया का लोकेशन मिल रहा है। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका जो भी नियर बाई लोकेशन है आप वहां पे जाके आराम से काम कर सकते हैं। कई सबसे पहली कंपनी यहां पे आपकी होने वाली वाव ग्लोबल, जहां पे दोस्तों आपको ईमेल सपोर्ट की, चैट सपोर्ट की काफी इंटरेस्टिंग जॉब मिलने वाली है। और बेसिकली दोस्तों वाव ग्लोबल क्या है, एक बहुत बड़ी फिनेंशियल सर्विसेज कंपनी होने वाली है, जो कि दोस्तों यहां पे जितने भी फंडिंग वाले काम है उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, कंपनी से अटैच करवाते सिमिलर जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी यहां पे इन्वेस्टर, उनसे ये लोग बेसिकली उनको कनेक्ट करवाते, यही दोस्तों इनका सर्विस होने वाला है। गाइस यहां पे आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत में जहां से बिलोंग करते अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड कंपनी यहां पे गाइस आपकी होने वाली टेली परफॉर्मेंस, जहां पे दोस्तों आप 12वीं पास है, फ्रेशर है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ सारे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब मिल रहा है, पर यहां पे आपको ऑलमोस्ट लोकेशन बहुत सारा इंडिया मिल रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं। सैलरी पे बहुत अच्छी मिल रही है, यहाँ पे ईमेल चैट सपोर्ट की जॉब भी है, यहाँ पे आपको नॉर्मल कॉलिंग की जॉब भी मिल रही है, आपको ब्लेंडेड प्रोसेस की जॉब भी मिल रही है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको बहुत सारी ओपनिंग मिल रही है। सो इस दोनों ओपनिंग बहुत टॉप क्लास है डिटेल में, यहाँ पे बस आप एप्लीकेशन प्रोसेस तो बिल्कुल समझ लेना, उसके अलावा हम बात करेंगे सैलरी पैकेज का, जॉब रोल का, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसे ही रेगुलर जॉब के अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, साथ साथ बेल आइकन दबा देना, और आपको ऐसे और भी अपडेट चाहिए टेलीग्राम, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहली कंपनी यहां पे आपकी होने वाली वाव ग्लोबल की। कैसे देखो यहां पे आपको प्रोफाइल मिल रहा है बेसिकली कस्टमर सपोर्ट एनालिस्ट का, और यहां पे अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें दोस्तों यहां पे तकरीबन आपको 25,000 से 30,000 रुपए के अराउंड यहां पे सैलरी पैकेज मिलने वाला है। और कैसे यहां पे अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं 1 घंटे पहले दोस्तों ओपनिंग आई है और ये रिमोट जॉब है, और दोस्तों यहां पे मे बी इट कैन एक्सपायर एनी टाइम दोस्तों, तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे अप्लाई करने का जो ऑप्शन है क्लियरली मेंशन करा है, हाउ टू अप्लाई, इफ यू आर द राइट वन प्लीज सेंड योर अपडेटेड सीवी। तो यहाँ दोस्तों इनकेस ये जॉब अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना। आपको दोस्तों अगर जॉब एक्सपायर नहीं भी हो रहा है तो भी आपको यहाँ पे HR के ईमेल आईडी पे ही अप्लाई करना, इसका डिटेल में आगे हम बात करने वाले हैं। कई देखो यहाँ पे जॉब रोल की बात करो तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू इनबाउंड कस्टमर रिक्वेस्ट via chat and email channel। तो गाइस देखो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका काम यहाँ पे है वो यही होने वाला है कि जो भी दोस्तों यहाँ पे कस्टमर, जो भी इनके क्लाइंट है, उनके जो भी कंसर्न आ रहे हैं वो आपको सॉल्व करना है चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, यही दोस्तों मेजर काम है। मतलब आपको मेक श्योर करना है जो भी कंसर्न वो रेज कर रहे हैं वो आप 100% सॉल्व कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म आपका ईमेल का और चैट का होने वाला। इसके बाद दोस्तों वर्क क्लोजली विथ अदर डिपार्टमेंट, तो साथ साथ आपका जो भी अदर डिपार्टमेंट के साथ मिल काम कर रहे हैं आप, असिस्ट इन कस्टमर ऑनबोर्डिंग, तो यहाँ पे उनका ऑनबोर्डिंग करवाना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, ये भी आप काम होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों जो भी पॉलिसी वगैरह उसको आप फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे कंडक्ट डेमोज वेबिनार विद कस्टमर एज देयर शेड्यूल, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेबिनार वगैरह हो रहा है उसको आपको शेड्यूल टाइमली करवाना है। और इसके बाद दोस्तों आपको फॉलो अप करते रहना क्लाइंट के साथ और क्रिएट ट्रैकिंग कस्टमर डेटाबेस। दोस्तों मेजर आपका काम यही पे यही है कि यहाँ पे क्लाइंट का जो भी इशू आ रहा है वो सॉल्व करना, साथ साथ आप सारा जो भी वो बातचीत है, जो भी डेटा है, जो भी स्टेटस है वो आप एंटर करें CRM के अंदर, और साथ साथ जो भी इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं क्लाइंट के वो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करा रहे हैं और उसके आप पार्ट बन रहे हैं। कहीं देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन में क्या बोल रहे हैं, बैचलर इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग और रिलेटेड फील्ड। तो कहीं देखो यहाँ पे बेसिकली आप BCom है, BCA है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे, या फिर आप IT फील्ड से यहाँ पे BTech वगैरह है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलेगा। वैसे आप यहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट BA BSc BCom सारे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक फाइनेंशियल चीजों का नॉलेज हो। इसके बाद आपका कॉम स्किल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो, क्या बोल रहे हैं, अबिलिटी टू आर्टिकुलेट बोथ टेक्निकल सॉफ्टवेयर इशू एज वेल एज एड्रेस सिक्योरिटी, तो यहाँ पे दोस्तों आप बेसिकली सिक्योरिटी का, फाइनेंस का बेसिक आपको नॉलेज आप हो, और दोस्तों यहाँ पे कंफर्टेबल लर्निंग क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीजें दोस्तों है। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली और एक्सेल का नॉलेज, मतलब बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं, कॉम स्किल स्ट्रॉन्ग, एक्सेल का नॉलेज आपके पास है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपके पास है, आप यहाँ पे दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉक बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ग्रेट हेल्थ बेनिफिट है, पेड हॉलीडे है, इक्विटी बोनस है, फ्लेक्सिबल आर यहाँ पे,
तो ये सारे दोस्तों आपको यहाँ पे मिलने वाले बेसिकली आपका पॉकेट बेनिफिट। और गाइस देखो यहाँ पे हम बात करके ऐसे आपको अप्लाई करना है, तो अगर जॉब एक्सपायर नहीं होता है जो कि अच्छा हो ना हो, तो एक तो आपको इजी अप्लाई करना, और अगर एक्सपायर हो गया है तो भी और एक्सपायर नहीं हुआ तो भी आपको इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना है। और दोस्तों जब आप मेल कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप रिज्यूम को बेसिक चेंज कर दे रहे हैं, जो भी चीजें इन्होंने स्किल क्वालिफिकेशन मांगा ये सारी चीजें आपने आपके रिज्यूम में ऐड कर रखा है, तभी रिस्पॉन्स गाइस आएगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीजें ऐड नहीं करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों प्लीज थोड़े से चेंजेस आप कर लेना रिज्यूम में, चेंज करना बहुत आसान है। आपने जहां भी रिज्यूम बनाया कैनवा पे या जो भी आपने सॉफ्टवेयर यूज करा वहां पे बेसिक चेंजेस कर सकते हैं और करके आप यहाँ पे मेल कर देना। पहला दोस्तों जॉब का ये होने वाला है। सेकेंड ओपनिंग गाइज यहाँ पे आपकी होने जा रही है टेली परफॉर्मेंस कंपनी के अंदर, जहां पे दोस्तों ये लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब के लिए हायर कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोफाइल, तो गाइज देखो यहाँ पे आपको बेसिकली कस्टमर सपोर्ट का जॉब रोल मिल रहा है, जिसके अंदर आप ब्लेंडर प्रोसेस के अंदर काम कर सकते हैं, चैट ईमेल के अंदर भी काम कर सकते हैं, आप वॉइस के अंदर भी काम कर सकते हैं, टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि क्या आपका एजुकेशन है और क्या आपका एक्सपीरियंस और कितना स्ट्रांगली आप यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करते हैं, सब आपसे डिपेंड करता है। अब गाइस देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये सब लोकेशन मिल रहा है, तो इसमें से जो भी आपका नियर बाई लोकेशन है, जैसे कि अगर आप दिल्ली इंचार्ज हैं तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे गुड़गांव मिल रहा है, उद्योग विहार इंटरनेशनल प्रोसेस वॉइस एंड चैट एक्सीलेंस इंग्लिश, यहाँ पे जहाँ पे 32,000 रुपए तक की सीटीसी मिलने वाली है, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता आते हो तो कोलकाता लेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चैट प्रोसेस जॉब चल रही है यहाँ पे। अगर दोस्तों आप मुंबई से तो ये रहा मुंबई, अगर आप पंजाब से तो ये रहा मोहाली हैदराबाद, तो आपको मेजोरिटी ऑफ दोस्तों लोकेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे गुड़गांव लेके चलते हैं यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बेसिकली आपको डिटेल फिल करना है, तो आप एक्सपीरियंस किस में वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप फ्रेशर कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, लोग हायर करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो इंग्लिश वो डाल सकते हैं, यहाँ पे गुड तो एक्सलेंस आप कर देना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि कितना जल्दी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप विद इन 7 days 15 days मिनिमम करना, ऐसे ऊपर मत करना, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एजुकेशन क्या वो डाल सकते हैं, तो 10th है 12th है ग्रेजुएशन वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपका नाम दोस्तों मैंने यहाँ पे रैंडमली फिल किया ताकि मैं यहाँ पे बेसिकली समझ पाऊँ फॉर्म को, तो यहाँ पे आपका नाम डालना, लास्ट नेम है, आपका फादर का नाम डालना, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना, ये दोस्तों रैंडम नंबर डाल रखा मैंने, आप ये डालिए आपकी ईमेल आईडी, आपका दोस्तों डालना जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड नंबर का इस मैंने डाल रखा रैंडमली। यहाँ दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, दे जस्ट वांटेड टू वेरीफाई यू कि आप एक सही कैंडिडेट अप्लाई करते हुए, तो कोई दिक्कत बात नहीं गाइस, ये बेसिकली टेलीफॉर्मेंस का ही डायरेक्टली फॉर्म है, तो बिल्कुल आपको चिंता यहाँ पे नहीं करना है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का है वो डाल दें, यहाँ पे ये डाल दें, और जो भी दोस्तों लोकेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आता, अगर आपको हिंदी आता वो कर सकते हैं, इंग्लिश आता वो कर सकते हैं, और कोई भी आपको रीजनल लैंग्वेज आता तो वो भी सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या बोल रहे हैं कि तो ये दोस्तों कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं आप। और इसके बाद आपको यहाँ पे डेट डाल के कब आ सकते हो आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों ये बेसिक से फॉर्म भरना है आपको टेली परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पे आपका काम तो आपको ऑलरेडी पता है, एलिजिबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, 12वीं पास है, आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, यहाँ दोस्तों नहीं चाहिए बिकॉज ये वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, तो सब कुछ आपको देंगे ये लोग, और वहाँ पर जाना आपको डेस्कटॉप मिलेगा काम करना वहाँ पे। और ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे कैब की फैसिलिटी मिलने वाली है आपको, यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे वॉकिंग का इन्वायरमेंट मिलेगा। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी टेलीफॉर्मेंस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। सो गाइस ये बेसिकली होने वाली है आज की जॉब की अपडेट। दोस्तों दो अपडेट है, दोनों जगह अप्लाई कर देना, पहला अगर जॉब एक्सपायर होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईमेल आईडी आपको मिल रही है वहां पे आप मेल कर सकते हो। दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक और ओपनिंग से, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।